लैब में कुछ सारे लोग जो है कुछ बैरूने मुल्क से आके मुलाजमत तो नहीं ना कर रहे, वो लोग भी तो यहीं के बेटे हैं, यहीं के भाई हैं, यहीं के किसी के वालिद हैं, तो अब ये चीज़ें छुपती नहीं हैं। अब आप कहेंगे जी वो चले जाते तो चले कैसे जाते, 2 तारीख को बुलाया हुआ था और 28 का जो है वो वारंट साइन कर दिया था, और समझ ये रहे थे कि ये वारंट जो हमने साइन किया है बहुत खुफिया तरीके से जो है वो, तो ये किसी को जो है वो मालूम नहीं होगा। सोर्सेज से पता लग गया कि ये ऐसा करने लगे या ऐसा कर लिया। सोर्सेज ऐसे ही होते हैं ना, सोर्सेज जो है उनकी उनका तरीकाकार तो यही होता है ना, उनमें से फिर कोई जो है वो हमारा भी जो है वो मिलने वाला या कोई हमदर्द जो है वो हो सकता है। तो आपको भी मेरा ख्याल पहले बता दिया गया था कि आप जमानत करा के हैं। जी 19 फरवरी को भी मेरे वहाँ जाने के बाद बड़ा जोर लगा कि जी आप जी आए हैं तो आप इनको बतौर मेहमान जो है आप अपने पास ठहराएं, लेकिन उस दिन क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही गया था वो क्वेश्चनर का जवाब लेके, तो उसके बाद जो है वो फिर 6 मार्च का तो जाहिर था कि इनका क्या इरादा है। आपको पता कैसे चला कि मुझे ये इन्होंने करना है और मैं करा लूँ जमानत कन्फर्म? बर जराए से देखिए, इसमें जो है जो सोर्स है वो अंदर से हो बाहर से हो उसको तो आपने प्रोटेक्ट ही करना होता है ना जी जी। क्योंकि ये कौन सी कोई चीज़ ख़त्म होने वाली है, ये तो आज भी ज़रूरत है और कल भी ज़रूरत है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बाज़ औक़ात इंटेंशनली और बाज़ औक़ात अन इंटेंशनली जो है वो ट्रैवल कर जाती हैं। और दूसरा ये है कि हकूमत में बहुत सारे लोग जो इनर सर्कल में काम कर रहे हैं, मैं पॉलिटिकल साइड की भी बात कर रहा हूँ, मैं ऑफिशियल भी कर रहा हूँ, वो लोग इन चीज़ों से खुश नहीं हैं। अच्छा। और वो भी इसका इजहार जो है वो करते रहते हैं। और नैब में भी ऐसा है? बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि वो अगर अपनी किसी मजबूरी की वजह से वो एक ऐसा काम कर रहा है जो वो नहीं करना चाहता तो फिर उसके अपने कॉन्शियस के ऊपर बोझ तो होता है। चौधरी उनके इत्तेहादी हैं हुकूमत के, तो वो नैब के खिलाफ गए और उनको क्यों डर है इतना? और हमारी इन्फॉर्मेशन ये है, देखें है इन्फॉर्मेशन ठीक जराए से होती है, कोई इसका किसी ने खुद अपनी आंखों से तो नहीं देखा होता कि चौधरी साहब को अरेस्ट किया जा रहा था। चौधरी को करने लगे थे अरेस्ट, उनके भी जो है ना मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरह वारंट जो है ना वो साइन हो चुके थे। अच्छा, तो फिर क्या? तो फिर वो चर्च साहब को भी जब ये बात मालूम हुई कि उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया है तो वो फौरी तौर पे जो है, ये तो एक दिन पहले की खबर नहीं थी, तो वो फौरी तौर पे रातों रात जो है वो फिर पहुंचे हाई कोर्ट। अच्छा, ये खबरें अब आपको भी पहले मिल जाती हैं, उनको भी मिल जाती हैं, कोई तो है जो दे रहा है खबरें? बस फिर यही है ना, फिर ये आखिर हम भी तो इसी मुल्क के बसिंदे हैं ना, हम भी तो इसी मुल्क में रह रहे हैं। नहीं तो जब आप पकड़े पहले जाते थे उस वक्त भी इसी मुल्क के थे या पता नहीं? आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बेशक चौधरियों को भी मिल रही है, आपको भी अब मिल जाती है पहले जब बच जाए। चले बरल वो जो है वो आखिर हम भी तो इसी मुल्क के जो है वो, अब देखें असल में राम साहब वही है, सीधी बात है, अब सुलह चल रही है आपकी उन जगहों से जहां से इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इन्फॉर्मेशन में सोर्स अपना को आइडेंटिफाई तो नहीं कर? नहीं, मैं पूछ भी नहीं रहा, यानी अब आपकी सुलह चल रही है कहीं ना कहीं? नहीं, हमारी लड़ाई तो कहीं भी नहीं थी पहले। नहीं, लड़ाई तो थी, कोई अब तो सिर्फ खान साहब से कोई लड़ाई नहीं थी, उसका हमने जो है वो सबूत भी दिया है। चौधरी साहबान पहले क्यों नहीं की 2 साल हाईकोर्ट चले गए? ये उनकी इंक्वायरियां तो चल रही है पिछले 15 साल से, तो पिछले 14 साल वो नहीं गए हाई कोर्ट में। हुकूमत के इत्तेहादी हैं, स्पीकर हैं परवेज लाई साहब, उनको क्यों गिरफ्तार करवाया जा रहा है जो आपकी इन्फॉर्मेशन है? बैलेंस के लिए। अच्छा, अलीम खान को किस लिए गिरफ्तार करवाया गया? रबते शुरू हुए थे जिसको PMLQ कंफर्म कर चुकी है कई दफ़ा, उनके तर्जुमान कामल अली आगा भी, कि आपसे रबते हुए थे। नहीं, गलत है, कभी भी नहीं हुए। बिल्कुल ये गलत है, PMLQ ने आज तक हमारे साथ कोई साजिश करने या कोई पॉलिटिकल अरेंजमेंट करके हुकूमत को गिराने का हमारे साथ उन्होंने कोई बात नहीं की, ना हमने उनके साथ की।
ठीक है, हमारा इन हाउस चेंज लाने का हमारा प्रोग्राम ही नहीं है। हम तो ये कोरोना वायरस से पहले हम तो तैयारी कर रहे थे कि मिड टर्म इलेक्शन के लिए जो है वो आर पार्टीज जो है वो अपना फैसला करें और उसके लिए जो है माहौल बनाया जाए। जहांगीर तीन साहब वो खुद नहीं कह रहे कि मुझे नाहल किया गया बैरेंस करने के लिए, अब उन्हें गिरफ्तार करना था बैरेंस करने के लिए, और उनको गिरफ्तार करके फिर बाकी अपोजिशन के जो है वो एनालाइज हुई है ना, तो ये सारा उसमें असल कसूरवार जो है वो बनते हैं मिनिस्टर कॉमर्स, मिनिस्टर फाइनेंस और जो है ये गुजार साहब। अब ये बच नहीं सकते, अब उस मामले को अगर ये आगे लेके जाएंगे तो उनको पकड़ते खुद पकड़े जाए। अब मेरा ख्याल है गुलाम सरवर खान जैसा कोई आदमी ढूंढेंगे ये उसके साथ बैलेंस करने की कोशिश करें, क्योंकि बैलेंस करना जरूरी है।